तपोभूमि का ध्वज देखकर भाव विहल हो गया मन, मेरा भी हुआ था। और मैं इसके लिए ध्वज कमेटी का धन्यवाद देता हूँ, और ध्वज कमेटी के अध्यक्ष स्वयं अंकुर शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में इस टीम ने काम किया। सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे डॉक्टर चेतन मान जी का है, जिन्होंने इस सोच को रूप दिया, जो सोच बताया गया उसको उन्होंने बहुत मेहनत से, डॉक्टर चेतन मान जो हमारे टीम में संयुक्त सचिव हैं, उनका बहुत दिल से धन्यवाद, रात दिन मेहनत करके इसको रूप दिया। कमल रावत जी का बहुत धन्यवाद, वो उनके साथ पूरा जुटे रहे, उस बारीकी पे के पर उन्होंने काम किया पूरा जो है, उनका धन्यवाद। और ध्वज कमिटी के सभी मेंबरों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस आपको बताने वाला इंसान हूँ तो, पर सबने बहुत मेहनत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ध्वज अपने अपने घर पर लहराना है, अपने अपने घर पर लहराना है, क्योंकि राज आपको करना है, क्योंकि ये विष्णु का ध्वज है। आपको त्यागी नहीं बनना, उसके लिए हमारा सन्यासी वर्ग है, त्याग का नाटक करके राज भोगने के नाटक वालों को उजागर करना है। आपको धर्म का ध्वज धारण करना है, और ये धर्म ध्वज है जिस पर गरुड़ है, गरुड़ ध्वज वो धर्म ध्वज है, जिस पर मां लक्ष्मी है, शक्ति है, वो धर्म ध्वज है, जिस पर भगवान शंकर भोलेनाथ है वो धर्म ध्वज है, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु है वो धर्म ध्वज है, और जिस पर सप्त नदियां, सप्त ऋषि, सप्त द्वीप, सब संकल्प है वो धर्म ध्वज है, और जिस पर प्रकृति का ए है, प्रकृति रूपी माँ को अहंकारी प्रकृति रूपी ने माए को कहा गया, प्रकृति का रूप है वो धर्म ध्वज है, जिस प्रकृति रूप में गणेश भगवान विघ्नहर्ता गणेश की आकृति है वो धर्म ध्वज है, और जो भगवान कृष्ण की वहां बांसुरी है वो धर्म ध्वज है। आप उसे अपने घर पर लगाइए, मैं भी उसको अपने घर पर लगाऊंगा और आपको भेजूंगा और फोटोग्राफ और ऑफिस पे लगाऊंगा, सब अपने अपने घर पे लगाइए, क्योंकि ये धर्म ध्वज है, यही हमें धर्म के राह पर ले जाएगा।